गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम स्वाति सिंह। हमारे जो पेडागोजी के टॉपिक्स चल रहे थे उसमें लास्ट टॉपिक हम इवैल्यूएशन का कर रहे थे, जिसमें मूल्यांकन, आकलन और मूल्यांकन। ओके, तो उससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा सब पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए थे, उसमें से जो भी उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट थे कि टेक्निक्स क्या होती हैं, मीन्स टूल्स क्या हैं और मेथड्स क्या हैं, और बाकी ऑब्जेक्टिव्स, इम्पॉर्टेंस और पैटर्न आज हम बात करेंगे पैटर्न के ऊपर भी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ब्लूम की टेक्सोनॉमी है, एक तरह से जो एजुकेशन से रिलेटेड जो आपका इवैल्यूएशन है उसको किस किस रूप में जब आप यूज़ करोगे बच्चों के लिए, तो क्या क्या पॉइंट में आपको ध्यान में रख के करने हैं। मींस ब्लूम ने तो अपने जो तीन एस्पेक्ट्स दिए थे उसी के साथ साथ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव एज अ टेक्सोनॉमी यही है सेम। तो मैं ब्लूम के जो आज थ्योरी करवा रही हूँ उसी में आपके जो टैक्सोनॉमी है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के वो भी कवर हो जाएंगे, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग भी जो आपके एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है एज़ पर टैक्सोनॉमी वो सेम है। तीन पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट आपका कॉग्निटिव, जो आपका ज्ञानात्मक पक्ष होता है यानी कि माइंड से रिलेटेड। सेकेंड आपका इफेक्टिव यानी कि भावात्मक पक्ष, जो आपका इमोशंस, रिसीविंग और इससे रिलेटेड होता है। थर्ड आता है आपका साइकोमोटर यानी कि इफेक्टिव, यानी कि जो आपका क्रियात्मक पक्ष होता है, ठीक है, साइकोमोटर, सॉरी। तो ये सारे क्या हैं आपके टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव हैं, कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या अचीव करने के लिए हम इवैल्यूएशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो ब्लूम जी की थ्योरी है वो भी टेक्सोनॉमी ऑफ ब्लूम थ्योरी है, जो ब्लूम के लिए हम यूज़ करते हैं। तो उन्होंने भी इन्हीं तीन पॉइंट्स को बताया है, तो इसीलिए एक ही बार डिस्कस कर लेंगे। ये मैंने आपके सामने ब्लैक बोर्ड पर मेंशन भी किया हुआ है। यहाँ पे कॉग्निटिव डोमेन्स को इतने पार्ट्स में डिवाइड किया है ब्लूम ने, इफेक्टिव यानी कि भावात्मक पक्ष को इतने पार्ट्स में, देन आता है आपका साइकोमोटर यानी कि क्रियात्मक पक्ष को इतने पार्ट में, ठीक है। अब इस पर एक एक करके बात करेंगे, और मैं ट्राई करूँगी कि आपको एक एक की पॉइंट्स भी इसके अंदर बता दूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। देखिए, अब पहले बात करते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ये तीन ऑब्जेक्टिव्स दिए थे ब्लूम ने। पहला था कॉग्निटिव यानी कि ज्ञानात्मक पक्ष, सेकंड था आपका इफेक्टिव यानी कि भावात्मक पक्ष, उसके बाद था आपका साइकोमोटर यानी कि क्रियात्मक पक्ष, ठीक है। ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी थी उन्होंने तीन पॉइंट्स को ध्यान पे रख के ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे, उनको फिर कैटेगरी में डिवाइड किया था कि ज्ञानात्मक पक्ष यानी कि कॉग्निटिव डोमेन्स के अकॉर्डिंग बच्चा क्या है ये चीज़ें करना सीख जाएगा, जिसमें पहला है ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। इट मीन्स नॉलेज, कॉम्प्रिहेंसिव, एप्लीकेशन, एनालाइज, सिंथेसाइज और इवैल्यूएशन, ठीक है। अब ये सिंथेसिस और इवैल्यूएशन जो है इसके लास्ट पॉइंट, और जो बाकी पॉइंट्स हैं मैं आपको सारे 1-to-1 एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इनमें क्या क्या की पॉइंट्स रखे थे और क्या क्या बात कही थी, ठीक है। पहले आता है आपका ज्ञान यानी कि नॉलेज। उसमें क्या कहा था, इस वर्ग में विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक की विशिष्ट तथ्यों और पदों यानी कि परंपराओं, प्रचलनाओं, वर्गीकरण, कसौष्टियाँ, मतलब जटिलताएँ समझ आ जाए। मतलब ज्ञान में बोला था कि इसके अंदर बच्चों के एज पर नॉलेज जो हमारा कॉग्निटिव डोमेन से रिलेटेड है, उसमें बोला था ब्लूम जी ने कि बच्चे को पाठ्य पुस्तक से रिलेटेड जितना भी ज्ञान है वो मिल जाना चाहिए, क्या है वो किसी भी रूप में हो, क्या है वो पदों के रूप में हो, मतलब एक सब पॉइंट्स में डिवाइडेड हो या की पॉइंट्स हो या कुछ भी हो, बच्चे को सारी कैटेगरीज पता चल जानी चाहिए, सारे उसके रूल्स रेगुलेशन पता चल जानी चाहिए, ठीक है। इसके की पॉइंट्स आते हैं रिकॉल यानी कि बच्चा रिकॉल करना, अगर बच्चे के माइंड में कोई बात है, बच्चे ने ज्ञान प्राप्त किया है, अगर मैंने कुछ लर्न किया है तो मैं उसको एग्ज़ाम टाइम में कब रिकॉल कर पाऊँगी, जब मुझे लर्न होगा तभी तो रिकॉल कर पाऊँगी, अगर मुझे याद ही नहीं है कोई चीज़ मेरे दिमाग में ही नहीं है तो उसको रिकॉल करने का तो कोई ऑप्शन आता ही नहीं है। तो इसीलिए बच्चा ज्ञान के अंदर यानी कि नॉलेज के अंदर क्या कर पाएगा, रिकॉल कर पाएगा, जैसे उदाहरण देना, परिभाषा दे पाएगा, सूची बना पाएगा, मापन कर पाएगा,
ठीक है, किसी चीज़ को पहचान पाएगा, ठीक है। जब बच्चे को नॉलेज प्राप्त हो जाएगी, किसी चीज़ से रिलेटेड ज्ञान मिल जाएगा, तो वो क्या करेगा बच्चा कि इसके अंदर किसी भी चीज़ को पहचान सकता है कि हाँ ये मैंने याद किया था, किसी भी चीज़ को बांट सकता है, जब उसे पता है कि ये चीज़ ये है और ये चीज़ ये है तो उनको डिवाइड कर सकता है, और उसके बाद किसी भी चीज़ का मेज़रमेंट कर सकता है, किसी भी चीज़ को रिकॉल कर सकता है, ठीक है। ये आते हैं आपके फर्स्ट पॉइंट के की पॉइंट थे। सेकेंड में आता है बोध यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव। इस वर्ग में बच्चों को ज्ञान जो कराया जाता है उसके बोध यानी कि उसकी समझ से रिलेटेड है। अब फर्स्ट पॉइंट में बच्चे ने क्या किया कि नॉलेज गेन कर ली, अब सेकंड पॉइंट में क्या है कि उसको क्या है समझ भी तो आनी चाहिए कि उसने किस चीज़ की नॉलेज गेन करी है। ये नहीं कि रट्टाफिकेशन कर ली कि जो मैंने हूबहू बोला आपने भी वही हूबहू सुन लिया, लेकिन आपको ये ही नहीं पता कि मैम ने किससे रिलेटेड बोला है या मुझे समझाया है वो किससे रिलेटेड समझाया है, ठीक है। तो इसीलिए बोध के अंदर यानी कि कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आपको उस चीज़ की समझ होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि किस चीज़ के लिए आपको क्यों सिखाई जा रही है, ठीक है। अब जब अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप इसके अंदर क्या करोगे, व्याख्या कर सकते हो, मतलब एक्सप्लेन कर सकते हो, उदाहरण दे सकते हो, संकेत कर सकते हो, उसको समराइज कर सकते हो, ट्रांसलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आते हैं हमारे बोध के पॉइंट्स, यानी कि जब बच्चे को समझ उत्पन्न हो जाएगी तो वो एक्सप्लेन भी कर सकता है और उसको एग्जाम्पल भी दे सकता है, देन उसको समराइज भी कर सकता है और उसके बाद उसको ट्रांसफ़र भी कर सकता है, और की पॉइंट से एक समराइज में जो आपका कंक्लूजन होता है वो भी कर सकता है, ठीक है, जब बच्चे की अंडरस्टैंडिंग उसके प्रति मजबूत हो जाएगी। उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट यानी कि प्रयोग या एप्लीकेशन। अब प्रयोग से आपको समझ आ रहा होगा कि ज्ञान का किन परिस्थितियों के अनुसार उपयोग करना है और किन परिस्थितियों के अनुसार उपयोग नहीं करना है। ज्ञान प्राप्त किया, उसकी समझ ली बच्चे ने, अब आता है प्रयोग यानी कि उसे पता होना चाहिए कि जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया उसका प्रयोग कहाँ करना है और कहाँ नहीं करना है। इसके की पॉइंट्स आते हैं जैसे कथन करना यानी कि प्रिडिकेट करना, या परफॉर्म करना, या मॉडिफाई करना, या कंटेक्ट करना यानी कि संचालित करना, गणना करना, संशोधित करना, कथन करना या परिपालन करना। मतलब एप्लीकेशन के अंदर क्या आएगा, बच्चा प्रयोग करके देखेगा कि उसको कहाँ अप्लाई करूँ कहाँ नहीं, तो वो परफॉर्म कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है किसी चीज़ को, कंटेंट ले सकता है, गणना कर सकता है, मतलब एक उसको अपने टेबलाइज कर सकता है किसी भी रूप में, ठीक है। उसके बाद आता है विश्लेषण। विश्लेषण में क्या है, जो भी उसने ज्ञान प्राप्त किया है, अंडरस्टैंडिंग की है, उसको किस रूप में जो तोड़े हुए भाग हैं अलग अलग, उनको कैसे सीमित करना है, विश्लेषण में वो आता है। संश्लेषण में आता है उनको जोड़ना, विश्लेषण में उनको तोड़ना, जो भी भाग हैं ये सारी अंडरस्टैंडिंग है उनको अलग अलग कैसे तोड़ सकता है, और संश्लेषण यानी कि सिंथेसिस में आ गया आपका उसको जोड़ना, ठीक है। अभी विश्लेषण के की पॉइंट सुन लीजिए, एनालाइज में आपके की पॉइंट आते हैं। सबसे पहला विश्लेषण करना यानी कि एनालाइज करना, उसके बाद आता है संबंधित करना यानी कि एसोसिएट करना, तुलना करना, कंपेयर करना, आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना, या इंगतित या विभेद यानी कि पॉइंट आउट करना। अब जब बच्चे को एनालाइज करना आ जाएगा यानी कि विश्लेषण करना आ जाएगा, तोड़ना आ जाएगा किसी बात को, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अगर उसको किसी की बात गलत भी लग रही है तो उसको पॉइंट आउट भी करेगा, विभेदीकरण भी करेगा, या फिर क्रिटिसाइज करेगा यानी कि आलोचना करेगा किसी की कि नहीं आप गलत हो, मेरे पॉइंट्स ठीक हैं आपके गलत है, ठीक है। वो कंपेयर करेगा कि आपका ये चीज़ ठीक है मेरी ये चीज़ ज़्यादा अच्छी है, कंपेरिजन करना सीख जाएगा। तो ये किस में है, विश्लेषण में आपका। और विश्लेषण में क्यों ये सारी बातें रखी है, क्योंकि विश्लेषण के अंदर जब बोलते हैं कि किसी बात को तोड़ना है, बांटना है, तो तोड़ना और बांटने का मतलब क्या है कि बच्चा तोड़ तो तभी पाएगा ना जब उसको नॉलेज होगी, ज्ञान होगा, अंडरस्टैंडिंग होगी, और वो तोड़ रहा है तो किस रूप में, ये नहीं कि जो
उसने ज्ञान प्राप्त किया है उसको भूल जाए या तोड़ के रख दे, आधा कहीं और यूज़ करे आधा कहीं और, ऐसे यूज़ नहीं करना। कंपेयर करना है किसी से, आपको पता होना चाहिए कि आपके ज्ञान में क्या अच्छाइयाँ हैं, दूसरे के ज्ञान में क्या अच्छाइयाँ हैं, आप में के ज्ञान में क्या कमियाँ हैं, दूसरे के ज्ञान में क्या कमियाँ हैं। कोई गलत है तो उसको आप पॉइंट आउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है संश्लेषण। संश्लेषण के यानी कि सिंथेसिस के पॉइंट हैं कि तर्क देना या जैसे आर्ग्यू करते हैं, उसके बाद निष्कर्ष निकालना या ड्राइव या फिर डिस्कशन या ऑर्गेनाइज या प्रूव। अब इसमें क्या किया, यहाँ पे सेंथेसिस में कलेक्शन करना है, आपने इकट्ठा करना है। जैसे आप किसी चीज़ को प्रूव कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं सीक्वेंसली या फिर अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें किस में आ गई, आपकी सेंथेसिस में, ठीक है। उसके बाद आता है लास्ट आपका मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन। इसमें बच्चा क्या करेगा, किसी चीज़ का मूल्यांकन करेगा, जो भी उसने ज्ञान प्राप्त किया है या फिर जो उसको ज्ञान प्राप्त करना है, जैसे चुनाव करना, सिलेक्शन करना। मूल्यांकन में तो यही चीज़ें होती है ना, वो अच्छी चीज़ें सेलेक्ट कर लेगा चुनकर, और बाकी क्या है जो गलत चीज़ें हैं या ख़राब चीज़ें हैं उनको छोड़ देगा, ठीक है। तो चुनाव करना, बचाव करना, निश्चित करना, निर्णय लेना, जज करना, ये सारी चीज़ें किसकी किस में आ जाएंगी, आपकी इवैल्यूएशन के अंदर, ठीक है। ये था आपका कॉग्निटिव डोमेन, जिसको 1, 2, 3, 4, 5, 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। और इनको अलग अलग इसके की पॉइंट्स दिए गए हैं कि बच्चा इन इन पॉइंट्स में क्या क्या चीज़ें अचीव करेगा। पहले ज्ञान करेगा, फिर उसको अंडरस्टैंडिंग करेगा, देन उसको अप्लाई यानी कि परफॉर्म करके देखेगा, देन उसको अपने अकॉर्डिंग किसी को पॉइंट आउट कर सकता है, अगर उसको कुछ गलत लगता है तो वो चीज़ें करेगा, देन उसको ऑर्गेनाइज कर सकता है, अरेंज कर सकता है, देन मूल्यांकन में क्या करेगा, सेलेक्शन कर सकता है, चुनाव कर सकता है किसी चीज़ का, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा सेकंड पॉइंट यानी कि इफेक्टिव डोमेन यानी कि भावात्मक पक्ष, ठीक है। अब एज पर ब्लूम उन्होंने भावात्मक पक्ष के लिए ये पॉइंट्स रखे थे, जिसमें पहला आता है ध्यान देना यानी कि अटेंडिंग और रिसीविंग, सेकंड है अनुक्रिया या रिस्पॉन्डिंग करना, थर्ड है आकलन वैल्यू, संगठन ऑर्गेनाइजेशन, मूल्यों का चरित्रकरण मतलब करेक्टराइजेशन ऑफ अ बाय अ वैल्यू, ठीक है। अब इन पॉइंट को सुन लेते हैं, समझ लेते हैं कि इन पॉइंट्स में क्या कहा है ब्लूम ने। फर्स्ट है ध्यान देना यानी कि अटेंडिंग या रिसीविंग करना, मतलब बच्चों को अभी प्रेरित करना ताकि बच्चे अध्यापक द्वारा पढ़ाई गई सामग्री में इच्छित हो। बच्चों को इस प्रकार से अभिप्रेरित करना कि विद्यार्थियों में मानवीय मूल्यों को भली भांति ग्रहण करने के लिए पर्याप्त इच्छा जागृत हो। मतलब फर्स्ट पॉइंट के अंदर ध्यान देना, अटेंडिंग या रिसीविंग के अंदर ब्लूम ने कहा है कि एज पर टीचर आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बच्चों को अपनी ओर आकर्षित ऐसे करें कि बच्चे इंटरेस्ट वहाँ पे क्रिएट करें या इंटरेस्टिंग हो पढ़ने में, ठीक है। आपकी अगर टीचिंग बोरिंग हो रही है तो आप उसमें कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ करिए, प्रैक्टिकल करिए या फिर ऑडियो विजुअल एड्स यूज़ करिए या फिर आप कोई भी स्लाइड्स या चार्ट यूज़ कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, कोई प्लेवे मेथड यूज़ कर सकते हो, टेक्निक्स स्किल, तो इन सब के अकॉर्डिंग क्या है, आप बच्चों को अपनी तरफ इंटरेस्ट के साथ उनका ध्यान सारा अपनी तरफ कर सकते हो। तो इससे क्या करेगा बच्चा, जब आपकी तरफ ध्यान हो जाएगा तो बच्चे की जो रिसीविंग है और अटेंडिंग है वो परफेक्ट हो जाएगी, वो किसी चीज़ को बहुत अच्छे से सुन पाएगा, समझ पाएगा, अटेंड कर पाएगा कि मैम क्या पढ़ा रही हैं, किससे रिलेटेड पढ़ा रही हैं, मुझे इसमें क्या ध्यान देना है, क्यों पढ़ा रही हैं, ठीक है। अब इसमें आ जाता है जैसे पूछना, स्वीकार करना, ध्यान देना, अनुसरण करना और प्रत्यक्षीकरण करना, ठीक है। ये थे आपके ध्यान देना के की पॉइंट्स कि बच्चा अनुसरण करेगा, मीन्स आपको फॉलो करेगा, जो भी आप बताओगे एज अ टीचर कि आपको ये चीज़ें करनी है और ये चीज़ें नहीं करनी, तो बच्चा आपको फॉलो करेगा,
आपकी बातों पर ध्यान देगा, आपको स्वीकारेगा, मतलब कि मैम आपको अच्छा बता रही है तो बच्चा स्वीकार करेगा, एक्सेप्ट करेगा कि यस मैम ये अच्छा बता रही है तो ये मेरे को करना है और ये चीज़ें नहीं करनी है, मैम ने ये चीज़ गलत बताई है, ठीक है। मतलब गलत ये नहीं कि पढ़ाई से रिलेटेड गलत, कोई गलत काम नहीं करना, ठीक है। उसके बाद आता है अनुक्रिया यानी कि रिस्पॉन्डिंग, उसमें बोला है किसी उद्देश्य के प्रति क्रिया करना, मतलब अगर आपके दिए हुए उद्देश्य के प्रति काम करना, अगर आपको दिखता है बच्चे को पता है कि मेरे लिए पढ़ाने के लिए या क्लासरूम टीचिंग के लिए या टीचर को भी पता है कि आपके कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव्स होंगे, तो उन उद्देश्यों को अचीव करने के लिए आप क्या करोगे, सेकंड पॉइंट में रिस्पॉन्डिंग में जब बच्चे ने पहले अटेंडिंग और रिसीविंग कर ली, देन वो क्या करेगा सेकेंड पॉइंट में उद्देश्यों के प्रति क्या है रिस्पॉन्ड करेगा, यानी कि वहाँ पर अपने आप को प्रेजेंट करेगा, अनुक्रिया करेगा, जैसे उत्तर देगा बच्चा, मदद करेगा, किसी चीज़ को इनकम्प्लीट है तो उसको पूरा करेगा, किसी चीज़ को विकसित करेगा, डेवलप करेगा, जैसे साइंस के उसमें क्या होता है प्रैक्टिकल्स होते हैं, लैब्स होती हैं, तो वहाँ पे क्या होता है बच्चे कुछ ना कुछ न्यू डिस्कवर करते हैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ठीक है। उसके बाद लेबल देगा अपने अकॉर्डिंग कि ये चीज़ मैंने ये डिस्कवर किया है तो इसका लेबल ये है, टॉपिटाइज करेगा उसको, ठीक है, आज्ञा का पालन करेगा और अभ्यास करेगा, मतलब प्रैक्टिस भी करेगा। ये आते हैं आपके अनुक्रिया यानी कि रिस्पॉन्डिंग में। उसके बाद आता है आपका आकलन मीन्स वैल्यू, वैल्यू में क्या आता है आपका, इस स्तर पर विद्यार्थी में किसी विशेष मूल्य को स्वीकार करने व किसी विशेष मूल्य के प्रति अधिक लगाव या अभिरुचि प्रकट करते हुए उसके पालन के लिए वचनबोध किया जाता है, जिसको उसकी योजना विकसित करने का प्रयास किया जाता है, मतलब कि इसमें बच्चे के जो भी विशेष मूल्य हैं, जो वैल्यूज़ है उसकी, जो इम्पॉर्टेंट है उसकी लाइफ में, उनको रिसीव करने के लिए और उनके प्रति सचेत होने के लिए उनको अपनी लाइफ से रिलेट करने पर ध्यान दिया जाता है, ताकि बच्चा किसी गलत रास्ते पर ना चला जाए। जैसे बच्चे का इसके अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करना, किसी चीज़ के लिए वृद्धि करना, संकेत करना, तो इसमें क्या होता है वैल्यू में कि अगर बच्चे का किसी चीज़ के प्रति, जैसे मान लीजिए आप टीचिंग करवाते हैं क्लासरूम के अंदर, तो आप टीचिंग क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि आपके कोई ना कोई मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको आप अचीव करने के लिए बच्चे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसकी लर्निंग करवा रहे हैं, अपने साइड से टीचिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, बच्चे को आप इस वे में इंटरेस्ट उसका क्रिएट करोगे, उसको वो सारे वैल्यूज़ और मूल्य बताओगे, ताकि बच्चा आपके उन सेट के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में क्या है आपकी हेल्प करे, कि प्रॉपर ध्यान दे या पढ़ाई करे या फिर क्या है वृद्धि करे, कर्म में रहे, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं आपकी वैल्यू के अंदर, ठीक है। उसके बाद आता है आपका संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, पूर्व अनुभवों को संगठित करना, मतलब आपकी जो प्रीवियस नॉलेज है बच्चे की, उन सभी को क्या है दोबारा से संगठित यानी कि ऑर्गेनाइज करना आता है संगठन के अंदर, कि बच्चे से रिलेटेड जितनी भी उसकी प्रीवियस नॉलेज है, कंटेंट से रिलेटेड जो भी बच्चे ने पहले पढ़ा है या उसकी प्रीवियस नॉलेज रह चुकी है, तो वो सारी दोबारा से ऑर्गेनाइज करनी आनी चाहिए, कि अब मैं उसको कैसे और आगे डेवलप करूँ, उसको ऑर्गेनाइज करूँ या ध्यान दूँ, जैसे जोड़ना, घटाना, पाना, बनाना, सामान्यकरण, योजना बनाना, व्यवस्थित करना, ये सारे इसके की पॉइंट्स थे, यानी कि संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के, जो मैंने बताया कि इसमें बच्चा क्या करेगा, फाउंड करेगा, किसी चीज़ को बनाएगा, सामान्यकरण करेगा, योजना बनाएगा, ये सारे क्या करेगा वो ऑर्गेनाइजेशन में करेगा, कि बच्चा किस रूप में किसी चीज़ को अच्छे प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज कर सकता है, ठीक है। यानी कि वैल्यू पता चल जाएगी तो उसके बाद करेगा ऑर्गेनाइज करेगा। उसके बाद आता है मूल्यों का चरित्रीकरण यानी कि करेक्टराइजेशन बाय द वैल्यू, इसके अंदर क्या बात बोली है, इसमें विद्यार्थी के व्यक्तिगत व सामाजिक मूल्यों के समन्वय से उत्पन्न जिस मूल्य प्रणाली तथा चरित्र की भूमिका बन जाती है, उसके विशेष रूप में प्रदान करने का प्रयत्न किया जाता है, मीन्स कि बच्चे की जो
व्यक्तिगत और सामाजिक मूल्य बन जाते हैं ना, जो चरित्रीकरण है। चरित्रीकरण क्या होता है, एक तरह से आपका नेचर जो बन जाता है, आपकी पर्सनालिटी जो बन जाती है, उनके बारे में जो भी व्यक्तिगत और बाकी सामाजिक मूल्य होते हैं, बच्चा उनको रिसीव करता है, उसके लिए अपनी इम्पोर्टेंस समझता है और ये चीज़ समझने की कोशिश करता है कि इसको समाज में अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ अच्छा या बुरा, तो उसकी समाज में क्या वैल्यू है, उसकी समाज में क्या रिस्पेक्ट है, मुझे अपने सोशल लाइफ से जो है, अपनी सोसाइटी से वहाँ पे रिस्पेक्ट मिलेगी या फिर मेरे को बहुत गलत बोला जाएगा और कोई मेरी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। ये सारी चीज़ किस में आती है, मूल्य यानी कि करेक्टर्स आई बाय द वैल्यूज़ में आती है आपकी, ठीक है। अब इसके अंदर क्या की पॉइंट्स हैं, चरित्रीकरण यानी कि आपका करेक्टर, निश्चय करना, प्रयोग करना, सम्मान करना, जज करना और हल करना। मतलब इसके अंदर बोला है कि चरित्रीकरण में आपका पहले, सबसे पहले करेक्टर, उसके बाद आप किस चीज़ को अप्लाई कर रहे हो, मतलब उसके लिए सम्मान कर रहे हो या उसको प्रयोग कर रहे हो, कहाँ पे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, उसके रीजंस क्या हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मैं प्रयोग कर रहा हूँ समाज में, अप्लाई करके देख रहा हूँ, तो वो उसके वैल्यू के अकॉर्डिंग है या नहीं है, ठीक है। किसी चीज़ को अगर आप वो कर रहे हो कि सम्मान कैसे करते हो दूसरों का, या प्रतिष्ठीकरण होता है आपका जज करना, तो आप किसी को जज किस रूप में कर रहे हो, किस रूप में नहीं कर रहे हो, किसी को ये तो नहीं आप बाहरी रूप से देख के जज कर रहे हो, बोल रहे हो बहुत खराब है ये वो, हो सकता है ना कि वो अपने आंतरिक यानी कि उसके अंदर से उसकी पर्सनालिटी काफ़ी अच्छी हो और ऐसा हो कि नेचर वाइज बहुत अच्छा हो। तो इसीलिए आपको मूल्यों का ध्यान रखना है कि आपकी जो भी पर्सनालिटी है व्यक्तिगत और सोशलिस्ट, उनको दोनों को आपस में कनेक्ट करके आप कोई काम करें, कोई भी ऐसा काम ना करें कि जो आपने पर्सनली तो कर दिया कि मेरी पर्सनल लाइफ है, ठीक है मेरी, मैं जो मर्जी करूँ, मुझे क्या बाकियों को क्या, लेकिन वो सोशल लाइफ पे आपके इफ़ेक्ट करे और वहाँ पे क्या हो, आपकी ना तो रिस्पेक्ट हो ना आपको कोई वहाँ पे एक्सेप्ट करे, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट, लास्ट है आपका थर्ड जो डिवाइड किया है, साइकोमोटर यानी कि क्रियात्मक पक्ष, ठीक है। साइकोमोटर क्या होता है, हमारा स्किल्स से रिलेटेड होता है। स्किल्स में क्या करते हैं, जो भी आप काम कर रहे हो। फर्स्ट था कॉग्निटिव, जिसमें माइंड से रिलेटेड था, आपने सारा ज्ञान प्राप्त किया। सेकेंड था भावात्मक यानी कि इफेक्टिव, यानी कि जो आपके इमोशन से रिलेटेड होता है कि आपने क्या रिसीव किया, कैसे किया, उसको रिकॉल, मतलब उसमें क्या क्या पॉइंट आते हैं आपके, रिस्पॉन्डिंग क्या करी, वैल्यूज़ क्या हैं उसकी, यानी कि ये सारी किससे हो गए, आपके इमोशंस, सोसाइटी और इन सब से रिलेटेड हो गए। उसके बाद आता है आपका साइकोमोटर यानी कि क्रियात्मक पक्ष, जो आपकी स्किल्स पे डिपेंड होते हैं सारे। स्किल्स में है आप पहला सहज क्रिया यानी कि रिफ्लेक्शन मूवमेंट। रिफ्लेक्शन मूवमेंट में क्या आता है, जैसे सबसे पहले बच्चा क्या करता है, सबसे पहले रिफ्लेक्शन मूवमेंट्स होती हैं बच्चे की, यानी कि सहज क्रियाएं होती हैं कि उसको बताना नहीं पड़ता किसी काम को करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि बच्चे के हाथ पे एकदम से चींटी पड़ जाती है, तो बच्चा क्या करता है, चींटी देखते ही हाथ झटक देता है। मच्छर काटता है तो एकदम उसको खुजाना शुरू कर देता है। तो ये सारी क्रियाएं क्या होती हैं, आपको बतानी पड़ती हैं कि बच्चे को, छोटे से को, कि चींटी चल रही है तो उसको हटाना है, हाथ झटकना है या फिर ये सारी चीज़ें। तो सहज क्रियाएँ सबसे पहले बच्चा करता है अपने अकॉर्डिंग, वो उसकी नेचुरल होती हैं, उसको कहीं से भी सीखनी नहीं पड़ती है, ठीक है। उसके बाद आता है आधारभूत अंग संचालन यानी कि बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट। इसके अंदर क्या करता है, बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट्स होती है आपकी, जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो बेसिक चीज़ें करता है, जैसे उछलना, कूदना, भागना, दौड़ना, पकड़ना, फेंकना, मारना, ये सारी चीज़ें क्या होती है, बच्चा फंडामेंटल मूवमेंट्स के अंदर आता है। जब उसकी सहज क्रियाएं एक तरह से जटिल हो जाती हैं, जब उस वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, हाथ पैर और आँख नाक मुंह सब चीज़ों में क्या है, एक समन्वय यानी कि एक कनेक्शन स्थापित कर लेता है, तो उसके बाद वो क्या करता है, फंडामेंटल मूवमेंट्स करता है कि उछलना कूदना शुरू कर देता है, भागना दौड़ना, पकड़ना, खेलना, ये सारी क्रियाएँ क्या आती हैं आपकी, बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट्स के अंदर आती है, ठीक है।
उसके बाद आती है आपकी शारीरिक योग्यता यानी कि फिजिकल एबिलिटी। इसके अंदर क्या है, अंग संचालन क्रियाओं को करने के लिए काम करने की क्षमता को बढ़ावा देना, मतलब जितने भी आपकी शरीर से रिलेटेड क्रियाएं होनी है, आप चल रहे हो, भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, बैठ रहे हो, उछल रहे हो, जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं उसके लिए आपकी शारीरिक क्षमता को बढ़ाना, यह आता है आपकी शारीरिक योग्यता यानी कि फिजिकल एबिलिटी, कि वहाँ पे आपकी क्षमता कितनी बढ़ती है कितनी नहीं बढ़ती। जैसे किसी काम को शुरू करना, सहन करना, सहन आप कब करते हो, आप जब आपके अंदर पेशेंस होते हैं किसी चीज़ को आप सहन करते हो। मान लीजिए आप गर्मी में धूप में बाहर खड़े हो तो आपकी बॉडी क्या है, हीट कर रही है, काली पड़ रही है, आपको स्वेटिंग हो रही है, लेकिन फिर भी आप खड़े हो, सहन कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं कि जब तक आप किसी काम को करने की आपकी क्षमता देखी जाती है कि आप किसी काम को कितने टाइम तक सहन कर सकते हो, कितने काम तक करने की उसकी क्षमता है, ठीक है। जैसे झुकना, व्यवहार करना, शिष्टाचार, सुधारना, रोना, ये सारी क्या है आपकी फिजिकल एबिलिटीज के अंदर आती है। उसके बाद आता है आपका प्रत्यक्षीकरण यानी कि प्रिसेप्चुअल एबिलिटी, ठीक है। प्रिसेप्शंस होते हैं ना, सबके अपने अपने प्रत्यक्षीकरण बना लेते हैं माइंड में। तो प्रत्यक्षीकरण योग्यताओं में बच्चे के ज्ञान इंद्रिय और काम इंद्रियों के समझ पर निर्भर करते हैं। जैसे वह वातावरण में फैले उद्दीपनों को पहचानते हैं, समझते हैं, उनके साथ समायोजन करने में सफल होते हैं, ठीक है। आपका प्रत्यक्षीकरण में आता है कि जो आपके एनवायरनमेंट के अंदर जो भी चीज़ें फैली हुई हैं, कुछ भी चीज़ हो, एनीथिंग, क्या है वो सोसाइटी हो, आपकी हवा, पानी, बिजली, लाइट, ये सब चीज़ें हों, तो उन सब सारी चीज़ों को क्या है पहचानने लगते हैं कि हमारा समाज है, ये चीज़ें इसमें अच्छी हैं, ये चीज़ें इसमें बुरी हैं, हमारे समाज से हमें ये फ़ायदे हैं, ये नुकसान है, हम समाज के लिए हैं, हमसे समाज बनता है, हम समाज हमारे लिए नहीं है, ऐसी ऐसी चीज़ें क्या है बच्चा प्रत्यक्षीकरण के अंदर समझने लगता है। उसके बाद आता है कौशल युद्ध अंग संचालन। देखिए पहला जो था फंडामेंटल मूवमेंट्स के अंदर, बच्चे ने सेकेंड स्टेप में उछलना कूदना भी क्या होता है, ये भी उसकी नेचुरल होती है, आपको ये सारी चीज़ें भी क्या है बच्चे को सिखानी नहीं पड़ती। लेकिन जो स्किल्ड मूवमेंट्स आ जाता है, आपका कौशल युक्त अंग संचालन आ जाता है, उसके अंदर बच्चे को वो सारी चीज़ें सिखानी पड़ती हैं जो भी आपको स्किल के द्वारा करवानी है। जैसे डांस करवाना है तो बच्चे को पहले डांस करवाना पड़ेगा कि आप नृत्य करो, कथक करो, या फिर आपको रनिंग करवानी है कि एथलीट बनवाना है, तो एथलीट के लिए एक प्रॉपर प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। और जैसे ड्राइव होता है आपका, गोताखोर होता है वो होता है, स्विमर होता है वो होता है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं बच्चे को एक स्किल के अकॉर्डिंग सीखनी पड़ती है। स्विमिंग ऐसे तो नहीं आती, कुछ ना कुछ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी या किसी के थ्रू क्या आपको सीखनी पड़ेगी। डांस भी ऐसे नहीं आता, सिंगिंग भी ऐसे नहीं आती, ये सारी क्या है आपकी स्किल्स के अकॉर्डिंग क्या है मूवमेंट्स होती है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका संकेतिक प्रेक्षण संप्रेक्षण यानी कि नॉन डिस्क्रोसिव कम्युनिकेशंस, ठीक है। इसमें क्या आता है आपका कि बिना बोले भावों को प्रदर्शित करना, ठीक है। संकेतिक संप्रेक्षण में क्या है, बिना बोले आप भावों को प्रेक्षण कर रहे हैं। जैसे अगर आप बच्चों को से पूछते हैं कि आपको टॉफ़ी पसंद है, तो बच्चा बिना बोले क्या करेगा कि यस मैम पसंद है। तो जहाँ पे आपको किसी प्रकार से बोलना ना पड़े वहाँ पे आपकी स्किल्स देखी जाती है वाली, जैसे आप हाँ करते हो, ना करते हो, वहाँ करते हो कि जा, चुप हो जा, ऐसे जैसे नकल उतारते हो या फिर आप पोजिस बनाते हो, जैसे आप पिक्स क्लिक करते हो तो पोजिस बनाते हो ना, ऐसे पाउट बनाते हो, ये सारी चीज़ें, वो स्केच बनाते हो, स्माइल देते हो या किसी को टीज करते हो, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है आपकी संकेतिक संप्रेक्षण के अंदर आती है, ठीक है। ये थे आपके ब्लूम के टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। इसमें फर्स्ट आपका आता है कॉग्निटिव डोमेन, जो आपका ज्ञानात्मक पक्ष है, जिसके अंदर आपका नॉलेज, बोध यानी कि कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालाइज, सिंथेसिस या इवेल्युएशन आते हैं। उसके बाद आपका इफेक्टिव डोमेन यानी कि भावात्मक पक्ष आता है, जिसमें आपको ध्यान देना, अनुक्रिया करना, आकलन, संगठन, मूल्यांकन, चित्रण, और लास्ट आपका आता है साइकोमोटर क्रियात्मक यानी कि सहज क्रिया, रिफ्लेक्शन मूवमेंट, बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट्स, फिजिकल एबिलिटी,
और प्रिस्क्रिप्शन एबिलिटी स्किल मूवमेंट और नॉन डिस्क्रिप्सिव कम्युनिकेशन। अब लास्टली इसमें बात ये करते हैं कि इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं। फर्स्ट तो आपसे क्वेश्चन यही बनता है कि टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स किसके हैं, वो ब्लूम के हैं, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं कि इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, थ्री पार्ट्स में, तीन दो। सेकेंड क्वेश्चन आपका क्या क्या नाम है, कॉग्निटिव, इफेक्टिव और साइकोमोटर, यानी कि ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, ठीक है। अब जो इसके की पॉइंट्स हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं उसके क्या यूजेस है, देखो उसमें क्या यूजेस है कि वहाँ पे क्वेश्चंस में आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि जो नॉलेज होती है या विश्लेषण करना होता है, कौन सी स्टेज में बच्चा विश्लेषण जो करना सीखता है वो किस डोमेन के अंदर सीख जाता है, ठीक है। अब यानी कि विश्लेषण एनालाइज करना किस डोमेन के अंदर सीखेगा, माइंड से रिलेटेड है ना, जब तक उसको पढ़ा हुआ याद नहीं रहेगा या उसकी समझ में नहीं होगा, अंडरस्टैंडिंग में नहीं होगा, तो वो एनालाइज कैसे करेगा, ठीक है। तो किस टॉपिक के अंदर, डोमेन के अंदर एनालाइज करना सीख जाता है, ज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव डोमेन के अंदर। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि जो स्किल मूवमेंट्स होती हैं वो बच्चा किस डोमेन के अंदर सीखता है, तो आपका ऑप्शन क्या जाएगा, साइकोमोटर के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए आपको मैंने छोटे छोटे की पॉइंट्स भी इसीलिए बताए थे कि डायरेक्ट ऐसे ही पूछ लेते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब ऑर्गेनाइजेशन, संगठन में पूछ ले कि आप किसी चीज़ को कैसे ऑर्गेनाइज करोगे या टेबलाइज करोगे, तो ये सारी चीज़ें बच्चा किसके अंदर सीखता है, यानी कि भावात्मक यानी कि इफेक्टिव। कुछ बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो सकते हैं, वो किस में कर देंगे, ज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव में, क्योंकि वो माइंड से रिलेटेड है, लेकिन ये किस में आएगा, आपका भावात्मक में आएगा, ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लूम की थ्योरी थी, तो समझ आ गई। अगर कोई कमी रह गई हो, मतलब ज़्यादा अच्छे से नहीं बता पाई हो, कुछ तबीयत आज ज़्यादा ठीक नहीं लग रही है, तो शायद कुछ कमी रह गई हो कि ज़्यादा अच्छे तरीके से ना पढ़ा पाई हो, फिर भी उसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि मतलब नहीं आपको समझ आया या कुछ भी, तो कमेंट सेशन में प्लीज़ कमेंट करके बता देना, मैं चेकआउट करती हूँ डेली, और उसके बाद हम ये वाली क्लास दोबारा ले लेंगे, आपको जो नहीं समझ आया होगा उसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगी मैं, ठीक है। तो ये वाली थ्योरी छोटी सी है। अब इसके बाद जो मेरा लास्ट पॉइंट है इसके अंदर, वो पैटर्न ऑफ इवेल्यूएशन है, वो बात कर लेते हैं। छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, वो हार्डली 5-10 मिनट का है, तो वो भी इसी के साथ ले लेते हैं, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं पैटर्न ऑफ इवेल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन के प्रतिमान। देखो ये बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि काफ़ी कंफ्यूजिंग है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर के एग्ज़ाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखे थे, और उसके बाद ही मैंने भी खुद ये बाद में ही लर्न किए थे, मुझे भी बाद में पता चला था कि पैटर्न्स होते क्या हैं, इसलिए मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर रही हूँ, और थोड़ा सा ध्यान से समझना प्लीज़, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं मूल्यांकन के प्रतिमान यानी कि पैटर्न ऑफ इवेल्युएशन। देखो, अधिकम के लिए मूल्यांकन, अधिकम का मूल्यांकन, अधिकम के रूप में मूल्यांकन। अब यहाँ पे आपको दो चीज़ें सिमिलर दिख रही होगी, अधिकम और मूल्यांकन। बीच में जो डिफरेंस दिख रहा है वो आपको के लिए, का और यहाँ पे के रूप में, ये डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है। ऐसे ही इंग्लिश में इवेल्युएशन फॉर लर्निंग, ऑफ लर्निंग, एज लर्निंग, ठीक है, ये चीज़ डिफरेंट लग रही है। अब इनका मतलब समझ लेते हैं कि के लिए यानी कि फॉर, का यानी कि ऑफ, के रूप में यानी कि एज, यहाँ पे इनका डिफरेंशिएट क्या है, मतलब क्या है, ठीक है। देखो, अधिकम के लिए मूल्यांकन करता कहता है कि जब हम किसी भी चीज़ का मूल्यांकन किसी काम को करते करते बीच में करें, तो वो होता है अधिकम के लिए मूल्यांकन। अब इसको मैं एक शॉर्ट ट्रिक से आपको समझाने के लिए ट्राई करती हूँ, जो मैंने अपने लिए बनाई हुई है, अगर आपको समझ आए या अच्छी लगे तो आप भी उसको फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो आप उस अपने से रिलेटेड कोई भी शॉर्ट ट्रिक से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि घर पे आप खाना बना रहे हो, ठीक है, तो खाना बनाने के लिए आप क्या करते हो, बीच बीच में
क्या करते हो खाना बनाने के लिए, आप क्या करते हो, आप क्या करते हो, पहले मसाले तैयार करोगे, सब्जी काटोगे, सारा अरेंजमेंट करोगे, मसाले देखोगे। तो खाना बनाने के लिए जो पहले या बीच में जो आपके अरेंजमेंट किए जा रहे हैं वो सारे क्या है, के लिए मूल्यांकन, यानी कि जो काम बीच में किया जा रहा है इवैल्यूएशन में, ठीक है। उसके बाद आता है अधिकम का मूल्यांकन, यानी कि वैल्यूएशन ऑफ लर्निंग। अधिकम का मूल्यांकन आप कब करते हैं, जब किसी काम को खत्म करने के बाद अंत में उसकी जांच की जाए कि वो काम कितना सही हुआ या कितना गलत हुआ, तो उसका मतलब है अधिकम का मूल्यांकन। यानी कि आप क्या करते हो, लास्ट में उस काम का मूल्यांकन करते हो। मतलब जैसे आपने खाना बना लिया किचन में, तो अब खाना बनाने के बाद आपने क्या किया, लास्ट में सर्व कर दिया। देन सर्व करने के बाद जो बाकियों से आपको फीडबैक प्रोवाइड हुआ है कि खाना अच्छा है, नमक कम है, ये चीज़ है, तो वो क्या था, वो आपका इवैल्यूएशन था। तो बाकियों ने क्या किया, खाना बनाने का इवैल्यूएशन किया कि आपने खाना कैसे बनाया, ठीक है। तो वो हो गया आपका का मूल्यांकन। मतलब जब जब बिल्कुल लास्ट में किया जाए इवैल्यूएशन तो आता है का, यानी कि खाना बनाने का इवैल्यूएशन किया। लेकिन जब के लिए होता है, यानी कि बीच बीच में किया जाए, यानी कि मिडल में, तो वो आपका क्या होता है, वो होता है के लिए मूल्यांकन, ठीक है। अब आता है अधिकम के रूप में मूल्यांकन। इसका मतलब क्या है, इवैल्यूएशन और एज लर्निंग। तो इसमें क्या मतलब है कि जो बच्चा पढ़ रहा है, जो शिक्षार्थी है, उसने अपने रूप में अपना कितना इवैल्यूएशन किया। मतलब जिस बच्चे को आपने लर्निंग करवाई है, जो आपका स्टूडेंट है, वो अपने लिए इस किस रूप में इवैल्यूएशन को ले रहा है, कि आपने उसको कोई पैटर्न पढ़ा दिया, कोई कंटेंट पढ़ा दिया, ठीक है, आपने उसका टेस्ट भी ले लिया, बच्चे के कम मार्क्स आए, तो बच्चा आप क्या करेगा, जिसने ये सोच के उस मार्क्स को देखा कि ओ शिट मेरे तो कम मार्क्स आए हैं, यानी कि मुझे आगे मेहनत करनी है, तो उसने पॉजिटिव इवैल्यूएशन किया अपना, यानी कि अपने रूप में इवैल्यूएशन किया के रूप में, ठीक है। लेकिन जिसने जिसको कॉपी दे दी गई कि ये लो ये आपके मार्क्स हैं, देखा कॉपी बंद करी और बैग में रखा, उसको मतलब ही नहीं है कि ठीक है जितने मार्क्स आ गए, तो उसने तो कोई इवैल्यूएशन अपना किया ही नहीं, ठीक है। तो जब बच्चा खुद का इवैल्यूएशन करता है, यानी कि अधिकम के रूप में मूल्यांकन, जब बच्चा अधिकम को अपने रूप के लिए मूल्यांकन करता है कि मेरे को इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या लॉसेस हैं, क्या मैं अच्छा कर सकता हूँ, क्या अच्छा नहीं कर सकता, तो वो हो जाता है इवैल्यूएशन एज लर्निंग। मतलब जैसे अभी एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा रही हूँ कि जब खाने का इवैल्यूएशन हो गया, फीडबैक मिल गया, तो जब फीडबैक ऐसे अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसे मिल रहा है किसी बच्चे को कि मान लीजिए, मतलब वो फीडबैक जब ऐसे मिल रहा है किसी को कि आपने जो खाना बनाया उसमें आपके लिए मतलब नमक कम है, तो उसमें आप क्या करेंगे कि नमक कम है तो उसको अपने लिए इस रूप में लेंगे कि ठीक है नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूंगी कि नमक कम नहीं होना चाहिए, या फिर आज तेल ज़्यादा हो गया तो तेल ज़्यादा होना चाहिए, तो आपने इस रूप से उसको लिया, ठीक है। तो ये थे आपके पैटर्न ऑफ इवैल्यूएशन, यानी कि थ्री पैटर्न्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट था आपका के लिए, जब मिडल में किया जाए कि आप खाना बना रहे हो, तो खाना बनाने के लिए आप क्या क्या करते हो, सारी सब्जियां तैयार करते हो, उसमें उसको बीच में चेक भी करते हो टेस्टी बना या नहीं बना। उसके बाद अधिकम का मूल्यांकन, जब खाने का मूल्यांकन होता है तो सबके द्वारा लास्ट में किया जाता है फीडबैक के थ्रू। और फिर आता है अधिकम के रूप में मूल्यांकन, यानी कि लर्निंग आपने कैसे करी, अधिकम के रूप में मूल्यांकन कि आपने अपने लिए किस रूप में लिया उस फीडबैक को, कि नमक कम है, मिर्ची कम है, इसको अगली बार से क्या है ठीक करना है, ठीक है। तो ये मैंने एक शॉर्ट ट्रिक ऐसे खाना बनाने की अपने लिए रखी थी कि इसके थ्रू मैं इसको बहुत अच्छे से समझ लेती हूँ और मुझे कभी कन्फ्यूज़न नहीं होती कि के लिए पूछ लिया एग्ज़ाम में तो मैं भूल जाऊँ एकदम से कि वैल्यूएशन कब करना था, मिडल में करना था, बीच बीच में चेक करना था, ठीक है। तो इसीलिए मैं के लिए देखती हूँ मेरे दिमाग में क्या जाता है, खाना बनाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आप भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि इससे अलग कोई आप अपने लिए एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं यहाँ पे बेस्ट, तो आप वो कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ये लास्ट था आपका इवैल्यूएशन, यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे पेडागोजी का। जल्दी से आपका सिलेबस कंप्लीट करवा देते हैं, KVS का एग्ज़ाम्स आने वाला है आपका, तो आप बाकी सब्जेक्ट्स की तब तक प्रिपरेशन रखिए प्रॉपर। और
वीडियो को देखने के बाद चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और अगर आपको KVS PGT कंप्यूटर साइंस का टेक्निकल से रिलेटेड अगर कंटेंट चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।